व्हाट्सअप गाइस कैसे हो आप लोग मेरा नाम है मीत और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रिएट न्यू में तो गाइस आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं चावा का एक और प्रोग्राम तो आप कैस कर सकते हो आज हम क्या करेंगे हाँ थंबनेल और मेरे टाइटल से तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम हम कन्वर्शन करने वाला है चावा में कन्वर्सन क्या करेंगे रुपीस लिखेंगे और रुपीस से हमको क्या मिलेगा डॉलर ठीक है और हम रुपीज़ और डॉलर को हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट करेंगे यानी कि रुपीज़ क्या करेंगे रुपीज़ अगर हमने दिया सिक्सटी रुपीज़ दिए तो सिक्सटी का आ, क्या होना चाहिए वन डॉलर होना चाहिए यानी कि ऐसा सिक्सटी का रेशियो ही देंगे ठीक है सिक्सटी एटी का वैसे अगर देखना हो तो हम यूट्यूब में देख सकते कित यूट्यूब क्या गूगल में देख सकते कितने, आ, देख सकते कितने लेकिन चलता है ठीक है सिक्सटी का डे तो गाइस चलिए अब भी अपना कोड एडिटर खोल लेते हैं और प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं और एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे हमारा जावा का फोल्डर पहले से ही मैंने रेडी करके रखा था तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल का नाम रखेंगे कन्वर्ट सॉरी कन्वर्ट डॉट जावा जावा ठीक है अभी यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इंपोर्ट करेंगे इस बार हमको यू आ, यूजर के पास से वैल्यू चाहिए ना कि हम हम वैल्यू देने वाले तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा एक एक इंपोर्ट इंपोर्ट uh, क्या लिखेंगे इंपोर्ट में जावा उसके बाद लिखेंगे डॉट यूटिल और यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर कैपिटल एस और यहाँ पे देखो स्कैनर आ चुका है ये स्कैनर ये क्या करेगा कि जो भी हम वैल्यू लेंगे मीन्स यूजर के पास से वैल्यू आए जो आ, हमको जो, जो, जो कभी भी हमको वैल्यू देनी मीन्स यूजर के पास से वैल्यू लेनी हो तो स्कैनर लगा के हम वैल्यू ले सकते हैं और उसका भी एक सिंटेक्स है ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमको हेडरफाइल लगाने की और उसके बाद हमको ये लिखने का ये तो हमारा कॉमन है क्लास कन्वर्ट ठीक है क्लास ये जो फाइल का नाम होता है वो इधर लिखने का क्लास कन्वर्ट लिखा इसके बाद यहाँ पे लिखने का यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा होता हूँ मेन ठीक है यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्यूज मी स्कैनर स्कैनर लिखेंगे और यहाँ पे स्कैनर में क्या लिखेंगे आ, uh, हम स्कैनर का नाम क्या देंगे तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कि मैं ये सिंटेक्स लिख लेता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या है ठीक है स्कैनर uh, का नाम दे देंगे ऑब्जेक्ट लेकिन ऑब्जेक्ट सही है उसके बाद न्यू ठीक है न्यू स्कैनर ठीक है और इधर इसमें लिखेंगे सिस्टम डॉट इन ठीक है और इसका मतलब क्या होता है ठीक है मैं यहाँ पे पूरा समझाता हूँ ये जो स्कैनर है मिल स्कैनर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो एक सेकंड देखो इधर भी आपको समझा देते हैं क्या होता है अ सिंपल टेक्स्ट स्कैनर विच कैन फ्रेज प्रीमेटिव टाइप्स एंड स्ट्रिंग यूजर स्कैनर ब्रेक्स इन इट इनपुट इनटू टोकन यूजर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ एक स्कैनर है ठीक है यहाँ पे हम हम लोग अः सिंटेक्स लिख रहे हैं कि अब से जो भी हम सिंटेक्स लिखेंगे यानी कि स्कैनर का सिंटेक्स यानी कि यूजर के पास से जो भी वैल्यू लेनी है उसके लिए हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे मीन्स ऑब्जेक्ट डॉक्ट नेक्स्ट आई एन टी या फिर नेक्स्ट फ्लोट आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है वह सिस्टम के अंडर ही यानी कि ये प्रोग्राम उसको एक्सेप्ट करे यानी कि यूजर के पास से भी जो भी वैल्यू है वो इधर एक्सेप्ट होनी चाहिए ठीक है तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए लाइन लिखते हैं यानी कि एसओ पी लिखते हैं ठीक है सिस्टम सॉरी आउट डॉट प्रिंट ए लाइन ठीक है यहाँ पे आ गया ठीक है और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइव रुपीस डालो रुपीज ठीक है सॉरी रुपीस डालो और पे हम स्पेस दे देंगे उसके बाद यहाँ पे देंगे आ, आ, हम देंगे आई एन टी आर यानि कि इंटीजर आर ठीक है वो इक्वल टू है ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट आई एन टी यानी कि इसमें जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर वैल्यू होगी वो हमको भी पता है लेकिन जो ये वैल्यू है वो स्टोर होनी कहाँ पे होनी चाहिए आर वेरिएबल में, आर में आर वे, इंटीजर आर में ठीक है तो मैं समझा देता हूँ देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने लिया था यानी कि स्कैनर ऑब्जेक्ट ठीक है और यहाँ पे हमने लिखा है ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट आई एन टी यानी कि अब से जो भी हम जितना भी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे यानी कि जैसे हम स्कैन एफ यूज करते थे सी में बाद में सी इन करते थे सी प्लस प्लस में वैसे ही इसमें यूज करते हैं हम स्कैनर ठीक है तो उससे क्या होता है कि वो वैल्यू स्कैन करता है और एक्सेप्ट कर लेता है और बाद में डिराइव कर देता है यानी कि डिप्लॉय कर देता है इंटीजर को या फिर कोई भी आप दे दो उसको ठीक है अभी हम देखे फ्लोट अभी आ, हम लेंगे फ्लोट डी यानि कि अभी हम आ, यूज कर रहे हैं डेटा टाइप फ्लोट क्यों क्योंकि हमको अभी फॉर्मूला लगाना है कि अगर अः यह जो आ, इंटीजर वैल्यू है आर उसका क्या होना चाहिए मीन्स अभी वो उसको डॉलर में या फिर किसी में हमको कन, हमको डॉलर में कन्वर्ट करना है ना तो जो वैल्यू है आर की वो फ्लोट में मीनस डॉट फॉर्मेशन या फिर कुछ तो आएगा ना क्योंकि हम बेसिकली हर बार तो सिक्सटी या फिर कोई भी वन ट्वेंटी ऐसे स्टैटिक नंबर तो नहीं डालेंगे जिससे कि वैल्यू सिर्फ वन या टू डॉलर आए हम ऐसे भी डाल सकते हैं ना सेवेंटी एटी नाइन्टी तो वन पॉइंट वन वन टू टू ऐसा कुछ आना चाहिए ठीक है तो अभी आप आगे देखना मैं क्या करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट ठीक है और यहाँ पे हम वैल्यू फ्लोट बाद में हम लेंगे आर स्लैश सिक्सटी यानी कि जो आर की वैल्यू है उसको डिवाइड करने का सिक्सटी से तो जो भी आंसर आएगा उसको आ, प्रिंट करा लेने का तो यहाँ पे वापस से एस ओ पी करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ठीक है और यहाँ अब डालेंगे यहाँ पे दे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देंगे प्लस की साइन सॉरी आर प्लस यानी कि रुपीस छे वो कितने थे ठीक है अभी डॉलर कितने होंगे ठीक है रुपीस इक्वल टू प्लस डी प्लस अभी उसके बाद भी हमको लिखना है इसलिए यहाँ पे दो बार प्लस किया है डोला ठीक है सिंपल अभी आप और यहाँ पे यहाँ पे एरर आ चुकी मेरे आ है मेरे साथ अन्याय हुआ है मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा क्या एरर आई ओके okay, ये देखो सेबी कोलन की एरर पूरे की पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर देती है तो ये क्या है <laughs> अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा तो पहले तो हम सिक्सटी देते हैं ताकि पता चले कितना है तो सिक्सटी रुपीज इक्वल टू वन डॉलर ठीक है तो यहाँ पे तो स्पेस दे देते एक्चुअली स्पेस ही नहीं दिया अभी हम देंगे फिफ्टीन सॉरी फिफ्टीन रुपीज़ फिफ्टीन तो क्या है फिफ्टीन रुपीज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट टू फाइव डॉलर ठीक है तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था हमारा रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है चलो मैं आपको एक आ, ये अजूम ये करके भी दिखा देता हूँ एक और बार रन कर डालते हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पे अपने के वन थाउजेंड टू तो ये आया वन ठीक है हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लै वन लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी टू का आया टू थाउजेंड थर्टी सेवन पॉइंट जीरो थ्री 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 डॉलर ठीक है ये था गाइस सिंपल सा हमारा प्रोग्राम ठीक है गाइस कोई भी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं पे भी आप पूछ सकते हो और मेक श्योर sure कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ना आ, करना ना भूले और आ, मेरी चैनल को आ, मेरी चैनल के जो आ, बेल आइकन है वो प्रेस करके रखें ताकि नया वीडियो आए तो आपको पता चले मैं आपको जावा जावास्क्रिप्ट सारे के कोर सब्जेक्ट आपको सिखाता रहूँगा तो तब तो तो तक के लिए बाय टेक केयर हैव गाइस और हाँ कोई भी चीज डाउट हो तो वापस से मेरे को आप पूछ सकते हो और डिस्क्रिप्शन हाँ में स्टैम्प प्लस गिटहब की लिंक होगी जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको पूरा का पूरा कोड मिल जाए ठीक है थैंक यू सो दीजिए पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा